अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी अपनी रूटीन में बिजी भी होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक तरह से व्लॉग है, क्योंकि अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम रह गया है और वो एग्ज़ाम आपका या तो स्टडी के रिलेटेड होगा या फिर आप लोग जो हैं किसी भी जॉब इंटरनेशनल एग्ज़ाम जैसे कि प्रो मैट्रिक आदि या DHA या उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो अक्सर आप लोग जो है वो पूछते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि दिन काफ़ी थोड़े रह गए हैं, या क्या कोई प्लान प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक प्रॉपर प्लान जिसको आप फॉलो करके अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लान जो है ये मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और इस प्लान के मुताबिक आप लोग इंशाल्लाह, मैं ये तो नहीं कहती कि टॉप करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग अपने जो भी स्कोर चाहते हैं उससे अच्छे ही स्कोर आपको मिलेंगे। तो प्लान स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो भी डेली आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, तो या तो अगर आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ही टाइम मिल जाता है, या घर आके 1 घंटा ज़रूर उन लेक्चर्स को दें, आप वो देखें कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसी टाइम जो है वो क्लियर कर लें। तो इससे आपको जो है बहुत अच्छी प्लानिंग में, जो फर्दर प्लानिंग में डिस्कस करूँगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब आज की जो वीडियो है वो स्पेशली फोकस मैं कर रही हूँ कि अगर आपके पास 1 मंथ बचा है, यानी कि 30 डेज हैं, तो आपने कैसे प्लान करना है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को। अब मिसाल के तौर पे आपके सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो, अगर सेमेस्टर है या अगर आप जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि उन 30 डेज में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लें, यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 डेज हर सब्जेक्ट के लिए रखें, और अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 5 डेज जो है वो आप हर सब्जेक्ट के लिए रख लें। और यह चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ याद रखें कि इन 30 डेज में आपने सिवाय सिर्फ एक खाना पीना है या बाथरूम जाना है, इन 2 कामों के अलावा आप सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि आपको पूरा टाइम जो है वो स्टडीज़ को देना है, अपना पूरा फोकस स्टडी को देना है। अपना फ़ोन जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ आपने मोबाइल जो अगर यूज़ भी करना है तो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, गूगल यूज़ करना है या यूट्यूब यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के लिए, अननेसेसरी फ़ोन को भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये 30 डेज प्लान जो है, इस 30 डेज में आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस रखना है, तब जाके आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और इसके अलावा एक और काम जो है वो इम्पॉर्टेंट, वो क्या करना है कि आपने इन 30 डेज में, कि एक तो मैंने बताया कि फोकस जो है वो फुल अपना स्टडीज़ पे रखना है और मोबाइल वगैरह भी यूज़ सिर्फ करना है तो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करना है, और अपनी प्रिपरेशन को प्लीज़ अपने तक ही प्राइवेट रखिए, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, शेयरिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपनी पढ़ाई आप लोगों ने खुद तैयार करनी है। हाँ, ये प्लान आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन इसलिए नहीं करनी होती, और स्पेशली एग्ज़ाम वाले दिन भी आप लोगों ने ये डिस्कशन नहीं करनी होती है कि एग्ज़ाम में जा रहे हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अपने क्लास फेलो से या अपनी फ्रेंड से पूछेंगे तुम लोगों की कितनी तैयारी है, तो वो अगर तैयारी है या नहीं है, अगर वो पूरे बुक का बता देंगे ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, तुमने ये टॉपिक तैयार किया, तो उसी टाइम आप जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मैंने किया ही नहीं, अगर ये पेपर में आ गया तो क्या करना है। इसलिए प्लीज़ ये मिस्टेक ना किया करें, एग्ज़ाम वाले दिन आप बिल्कुल डिस्कस ना करें कि क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, बस जो पढ़ा है उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस रखें, तो ही आप जो है वो एग्ज़ाम अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे। अब आते हैं 30 डेज प्लान की तरफ। अब आपने क्या करना है कि ये 30 डेज अपने आप को बिल्कुल आपने कमरे में रखना है, अपनी पूरी किताबें, अपना पूरा मटेरियल अपने पास रखें, अननेसेसरी बिल्कुल भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अर्ली मॉर्निंग आपका प्लान जो है वो तकरीबन 5 o'clock से स्टार्ट हो जाना चाहिए, अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, जो भी चीज़ आपको एक्टिव करती है वो पिएं,
और क्या कहते हैं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें अच्छा सा, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अपनी बुक्स लेके बैठें। और ये प्लान तकरीबन आपने मॉर्निंग 5 o'clock पे स्टार्ट करना है और तकरीबन नाइट जो है वो 11 o'clock तक रखना है, क्योंकि अगर आप 1 महीना कम भी सोएंगे तो कोई आपकी हेल्थ पे उतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। वो 1 महीने एग्ज़ाम्स के बाद अच्छी तरह अपनी नींद पूरी कर लें। अब सब्जेक्ट्स मैंने बताया कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने उनको क्या डिवाइड कर देना है 6 डेज पे, और अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने क्या डिवाइड करना है हर 6 सब्जेक्ट्स को 5 डेज में। अब आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और अगर आपको वो 6 के 6 सब्जेक्ट्स या 5 के 5 सब्जेक्ट्स जो हैं अगर वो आपको डिफ़िकल्ट रखते हैं तो डेज़ को इतना ही रहने दें। यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 डेज, और अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 डेज हर सब्जेक्ट के लिए आप फिक्स करें, ठीक है। हाँ, अगर आपको एक आध सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और एक सब्जेक्ट जो है वो या 2 सब्जेक्ट जो है वो आपको इजी लगते हैं कि आपको लगता है कि उनको लिए इतने दिन नहीं चाहिए, तो आप वो एडजस्ट कर लें। यानी कि जो इजी सब्जेक्ट है उसके दिन कम कर दें और जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसमें वो दिन इंक्रीज कर दें। अब आपने हर सब्जेक्ट के लिए मिसाल के तौर पर आपके हैं 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट चले रखते हैं और आपने 6 दिन फिक्स कर लिए, ठीक है। अब आपने उन 6 दिन में से भी क्या करने हैं, 4 दिन जो हैं वो सेपरेट करें और 2 दिन को सेपरेट कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उन 4 डेज में अपनी बुक को लें, उस बुक के देखें कितने चैप्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे उस बुक में हैं 12 चैप्टर्स, या ज़्यादा भी कर लें क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है, तो आप देख लें हर बुक में कितने चैप्टर्स हैं। अब उन चैप्टर्स को आपने डिवाइड कर देना है 4 डेज पे, या अगर आपके पास 5 डेज हैं एक सब्जेक्ट के तो 3 डेज पे, और अगर आपके पास 6 डेज हैं हर सब्जेक्ट के लिए तो 4 डेज पे। यानी कि आपने 2 दिन जो हैं उनको अलहदा रखना है और 3 या 4 दिनों को आपने अलहदा रखना है। अब आपने क्या किया, आपने अपने चैप्टर्स को उन नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड किया। मिसाल के तौर पे आपके 15 चैप्टर्स थे और आपके पास दिन कितने हैं 3 डेज हैं, तो आपने 5 चैप्टर्स पर डे पे डिवाइड करने हैं। और अगर आपके पास 4 डेज हैं तो उसी तरह आप डिवाइड कर लें, 20 चैप्टर्स हैं तो 5 5 चैप्टर जो हैं वो पर डे पे डिवाइड करने हैं। अब आपने क्या करना है कि ये अब आपने फिक्स रखना है कि मैंने पर डे जो है 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह कंप्लीट करना है, स्टडी करना है। अगर आपको उनमें कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप उसी टाइम जो है अपनी बुक से डिटेल से देख लें, अपने गूगल में देख लें, यूट्यूब पे देख लें, हर टॉपिक के मुतल्लिक जो है आजकल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इजी लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसी टाइम जो है आप वो प्रिपेयर करें और रिटन प्रैक्टिस जो है वो लाजमी रखें। यानी कि जो भी आप याद कर रहे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें अपनी बुक में, या नोटबुक है तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं डेफिनेशंस या जो भी चीज़ें हैं, तो आपने मतलब पर डे आपने अपना टारगेट जो है उसको कंप्लीट करना ही करना है। इसी तरह जब 3 डेज या 4 डेज में आप अपने 15 चैप्टर्स कर लेते हैं कंप्लीट, हाँ एक और चीज़ आप ऑप्शन रख लें, अगर आपको अपना सिलेबस पता है, अपना पेपर का क्राइटेरिया पता है, तो अगर आपने 15 चैप्टर्स हैं या 20 चैप्टर्स हैं तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 15 में से 13 या 20 में से 18 चैप्टर जो हैं वो लाजमी लाजमी जो है वो कंप्लीट स्टडी करें। यानी कि ऐसा नहीं करना, ये मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने कि हर चैप्टर में से 2 टॉपिक छोड़ दिए, ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने छोड़ना है, स्किप करना है, तो एक चैप्टर पूरा स्किप कर लें जिसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, लेकिन हर चैप्टर में से टॉपिक स्किप करना वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि आपको नहीं पता इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आ जाए। तो मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो, या मैक्सिमम टॉपिक्स मैं कह सकती हूँ कि आपने कंप्लीट करने ही करने हैं। अब 5 डेज में से 3 डेज या 6 डेज में से 4 डेज में आपने जब हर सब्जेक्ट का वो एक तरह से टारगेट अचीव कर लिया, यानी कि तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह स्टडी कर लिया, एक दिन में आप 5 चैप्टर्स इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको ये 30 डेज हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप पूरा साल नहीं पढ़े और 30 डेज में आपने टॉप करना है तो वो भी एक मिस्टेक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है इस वजह से।
अपने स्टडी को साथ साथ जरूर रिफ्रेश करें, अपने लेक्चर्स को साथ साथ रिफ्रेश करें, तभी आप 30 डेज प्लान में जो है बहुत इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आपने वो 4 डेज में जो है या 3 डेज में आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, अब आपके पास 2 डेज बचेंगे, तो उन 2 दिनों में आपने फिर दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक जो है अपना रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब आपने वो क्या कहते हैं, अब आपका एक सब्जेक्ट का 6 डेज या 5 डेज मुकम्मल हो गया, अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को ओपन करना है। अब जब नेक्स्ट सब्जेक्ट को ओपन करना है तो अब उसमें जो पिछले सब्जेक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक और चीज़, इन 6 डेज में आपने जो 6 डेज जिस चैप्टर जिस बुक के लिए रखे हैं, आपने सिर्फ उसी बुक को ओपन करना है, दूसरी बुक्स को ओपन नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, एक सीक्वेंस से चलना है। तो इस तरह आप जो है हर 5 डेज या 6 डेज में अपने जो है वो टॉपिक्स मुकम्मल कर लेंगे, तो आपको एक तरह से अच्छी बुक मुकम्मल हो जाएगी, आपके टॉपिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आप जो है एग्ज़ाम वाले दिन जो है फिर आपके पास एग्ज़ाम में, अगर मिसाल हर एग्ज़ाम में मोस्टली जो है वो वन डे ऑफ होता है या कंटिन्यूस भी होता है, तो आपके आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 डेज में अच्छा खासा जो है अपना कोर्स को अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा, तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन जो है वो बहुत कम टाइम भी अगर आपके पास होगा तो आप इजीली तैयार कर सकते हैं अपने पेपर को। और वो लोग जो प्रो मैट्रिक के लिए या हाथ के लिए या DHA के लिए जो इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस को फॉलो कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज में इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए डिवाइड करें और 4 डेज में जो है वो हर सब्जेक्ट को कंप्लीटली स्टडी करें, और जो लास्ट के 2 डेज होंगे उन 2 डेज में आप हर सब्जेक्ट के जितने ज़्यादा मैक्सिमम MCQs फाइंड आउट करके प्रिपेयर कर सकते हैं वो कर लें, और बाद में जो है आप लास्ट वीक एक एक्स्ट्रा रख लें, यानी कि 30 डेज प्लस 1 वीक बिफोर एग्ज़ाम, तो जो लास्ट वीक होगा उसमें मिक्स MCQs जितने ज़्यादा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉट ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल, सो डोंट वरी अबाउट द मटेरियल, ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब, एवरीवेयर अ लॉट ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल, तो जितना ज़्यादा आपके पास मटेरियल आप प्रिपेयर करेंगे उतने आप कॉन्फिडेंस होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। प्रॉपर रखें 30 डेज प्लान को, अपने सब्जेक्ट्स को पर डे डिवाइड करें कि हर सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, और फिर उस उन दिनों में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिक्स नहीं करना। 30 डेज में आपने बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद रख के बिल्कुल फोकस अपना पूरा स्टडीज पे करना है, एक्स्ट्रा टॉक्स एक्स्ट्रा फ्रेंड्स टॉक्स को 1 मंथ के लिए स्किप करना है, अच्छी तरह अपना फोकस स्टडी पे करना है, तो ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग जो है वो अच्छा टारगेट ही अचीव कर लेंगे और सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर हम सब चीज़ें मिक्स कर लेते हैं ना, जब मतलब एग्ज़ाम्स के 1 मंथ पहले हम टेंशन भी ले लेते हैं, हम सही तरह पढ़ते भी नहीं हैं, हम फ्रेंड से भी पूछते रहते हैं तुम लोगों की कितनी तैयारी होगी, कितनी तैयारी हो गई, ये टॉपिक वो टॉपिक, और अपनी प्रिपरेशन भी शेयर करते हैं, और अननेसेसरी कई दफ़ा अपनी प्रिपरेशन पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो ये तमाम मिस्टेक्स जो होती हैं ये फिर हमें एग्ज़ाम वाले दिन सफ़र करना पड़ता है। इसलिए अपने तैयारी को प्रॉपर रखें, अपने डेज़ को प्रॉपरली डिवाइड करें, कितने डेज़ आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, और उन डेज़ में जितना ज़्यादा उस बुक को आप कवर करने की कोशिश कर सकते हैं कवर करें, और वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर चैप्टर करना है तो फुल चैप्टर करें, अगर छोड़ना है तो फुल चैप्टर, हर चैप्टर में से टॉपिक्स ना छोड़ें, क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अपने पेपर्स की अच्छी सी तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो एक और चीज़, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर में भी 3 आवर्स मोस्टली होते हैं हर एग्ज़ाम के, तो 3 आवर्स को जो है आप हर पर क्वेश्चन डिवाइड कर लें, कि अगर 6 क्वेश्चन आने हैं तो मैंने हाफ आवर जो है वो हर क्वेश्चन को देना है, उस हाफ आवर के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ, अगर आप पेपर देखते हो और आपको स्टार्ट में ही मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हैं तो आपने वो देख के कंफ्यूज नहीं करना, अपने आप को बिल्कुल कूल रहना है, कूल रह के अपना पेपर देखें, 2-3 दफ़ा पढ़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह स्टार्ट करना है। जिन क्वेश्चंस में आपको फुल कॉन्फिडेंस हो उनको पहले अच्छी तरह लिखें, एक्सप्लेन करें, और फिर जिनमें आपको डाउट हो तो आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपने पेपर को
अच्छी तरह अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अच्छा एग्ज़ाम देने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं फिर कहूँगी कि अपने लेक्चर्स को डेली एक दफ़ा ज़रूर देखें, मैक्सिमम 1 घंटा या 2 घंटे चाहिए होते हैं। अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरह क्लास में अटेंड किया है तो आपको सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा चाहिए, आप अपने तमाम लेक्चर्स को उसी दिन रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपको एंड वाले डेज में जो है वो इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डेली थोड़ी सी स्टडी जो है वो लाजमी करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे और ये सोच रहे हैं एंड वाले दिनों में देखा जाएगा, तो फिर बहुत टेंशन के साथ देखा जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि डेली जो अपने लेक्चर को रिवाइज़ करें, और फिर एंड पे एक 30 डेज़ प्लान रखें, उन 30 डेज़ में अपने हर सब्जेक्ट को प्रॉपर डेज दें, और हर सब्जेक्ट के साथ फिर जो है वो आप इनफ जितनी प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं करें, उसको रिवाइज़ करें। अगर आपकी टॉपिक्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर एंड के जो डेज हैं उनमें जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं करें करें, क्योंकि आपको हर दफ़ा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाएगा अपने टॉपिक को सर्च करने में। तो इस तरह आप फॉलो करें प्लान, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मदद मिलेगी, और किसी भी टाइप का एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। और फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, और जिन लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।